रहमान रहीम सो वी आर डूइंग एडवास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जिसमें हम बात करेंगे आज कन्वर्टल बॉन्ड्स की इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको टच किया हुआ है दीज आर बॉन्ड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू शेयर तो इसलिए इनको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहा जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड हैव फीचर्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज सिंस दे कैन बी कंडीशनली कन्वर्टेड इंटू शेयर्स कंडीशनली होती हैं चॉइस होती है नॉट नेसेसरी के सारे होंगे बट इट इज़ अ ऑप्शन दिस मेक दम मोर सेंसिटिव टू कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ कि कंपनी के बारे में जो न्यूज आती है कंपनी की जो परफॉर्मेंस आती है उसका इससे लिंकेज बढ़ जाती है जो कि नॉर्मल बॉन्ड्स में वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है सिस्टमैटिक इंडिकेटर्स और जो उनका इम्पैक्ट ट्रेडिशनल बॉन्ड्स पर ज़्यादा आता है सिस्टमैटिक वेन वी से दैट मीन रेफर टू इंटरस्ट रेट प्योरली इन्फ्लेशन वेयर एज वेन इट्स

जब उसको चाहें तो आप एक्सरसाइज करके शेयर ले सकते हैं ऑप्शन अगेन इट्स अ चॉइस लाइक ऑल ऑप्शन वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन चेंजेस विद ऑफ़ अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस कन्वर्जन की रेशियो क्या है इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, मैच्योरिटी कितने टाइम की है तो ये सारे इसके वैल्यूएशन को इम्पैक्ट करेंगे रोल ऑफ वैल्यूएशन वैल्यूएशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस अंडरमाइनिंग द फाइनेंशियल एसेट्स फेयर वैल्यू मकसद ये है कि हम किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए वो जब हम गेज करना चाहें तो वी नीड सम वैल्यूएशन मॉडल ऑलमोस्ट एवरी बेसिक मॉडल फोकस ऑन फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कि इस जो इन्वेस्टमेंट से मुझे फ्यूचर में कितनी स्ट्रीम मिलनी है उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ दैट शुड बी वैल्यू ऑफ़ दैट इंस्ट्रूमेंट वो बेशक बॉन्ड हो शेयरस हों नॉर्मली ये इस पाथ पे वैल्यूशन प्रोसेस मूव करता है एस्टिमेटिंग कैश फ्लो फॉर बॉन्ड कैन बी डिफिकल्ट वाई डिफिकल्ट ट्रडिशनल बॉन्ड्स वेयर देर इज नाट दर इशू नो और इन्वेस्टर कैन ऑल्टर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कैन बी रिटर्मेंट रिलेटिवली ईजी यानी कि बिल्कुल बेसिक जो सिम्पल बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यूएशन तो आसान है क्योंकि आपको पता है कि उसका एक डिफाइंड पैटर्न है और उस मेच्योरिटी में से पहले ना इश्यूअर उसमें कोई चीज़ चेंज कर सकता है ना जो उसका इन्वेस्टर है तो वेयर एज इन अदर सर्कम्स्टांसिस थिंग्स कैन बी डिफरेंट उसमें क्या चेंजेस आती है प्रॉब्लम कम बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द बॉन्ड्स हैव सम सॉर्ट्स ऑफ एम्बेडेड ऑप्शन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट तरह की ऑप्शनस दी जाती हैं तो वो एक कंडीशनल हो जाती हैं तो लाइक पोर्टेबल कॉलेबल कुछ में एक्सेलरेटेड रिडेम्पन है कि अर्ली पेमेंट्स हो सकती हैं कुछ में फ्लोटिंग रेट्स होते हैं तो ये ऑप्शंस की वजह से है जो है ना डिफ़िकल्टी आ जाती है इनकी वैल्यूएशन में क्योंकि कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं ट्रेडिशनल बॉन्ड वैल्यूएशन ट्रेडिशनल बॉन्ड वैल्यूएशन इन्वॉल्व थ्री स्टेप दे वेरी सिम्पल थ्री स्टेप्स एस्टिमेट एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या फ्यूचर में मिलना है इसकी मच्योरिटी वैल्यू भी और कुपॉन्स भी अ वे टू डिटर्मिन रीजनेबल डिस्काउंट रेट कि किस डिस्काउंट रेट को यूज किया जाए उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट दे शुड बी अ लॉजिकल बेस फॉर अडॉप्टिंग दैट अवे टू अप्लाई डिस्काउंट रेट टू द एक्सपेक्टेड जो हमने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लिया है जो हमने डिस्काउंट रेट लिया है उस एक्सपेक्टेड की डिस्काउंट रेट की इम्प्लीकेशन करके अभी की वैल्यू निकालना दैट इज इन द ट्रेडिशनल मॉडल जो कि सिंपल इसमें हमें बॉन्ड की एक वैल्यू अभी डिटर्मिन हो जाएगी फ्यूचर कैश फ्लो शुड बी इक्वल टू येट अनपेड को के इस बॉन्ड के आगे फ्यूचर में कितने को पेमेंट होनी है उनकी वैल्यू प्लस जो मचोरिटी पे उसकी फ़ेस वैल्यू होनी लेट्स से हज़ार डॉलर का बॉन्ड है तो उसने सिक्सटी डॉलर क्वार्टरली या सेमी एनअली देना है तो जो अब सिक्सटी सिक्सटी मिलने वाले हैं वो उसकी वैल्यू और जो हज़ार एंड में मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वो इस बॉन्ड की वैल्यू अभी डिटर्मिन करेगी कंसिडरिंग द डिस्काउंट रेट वो हो सकता है सात आठ सौ भी हो वो हो सकता है ग्यारह बारह सौ भी हो डिपेंडिंग ऑन के मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं बट लॉजिक विल रिमेन द सेम तो इस तरह हम जो है जो करंट यील्ड्स को कैप्चर करते हुए इसी की वैल्यूएशन निकालते हैं विल टॉक अबाउट लिटिल मोर इन दिस बट दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ग्रोज थैंक यू